अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। अभी टाइम आ रहा जी अराउंड 2 बज रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने रेडियो लिया था दादी का मार्केट ठीक करवाने, लेकिन आज 7 से 8 दिन हो गए मैं भूल गया उसको वहीं पर, मुझे याद ही नहीं है, मेरे ध्यान से निकल गया। अभी दादी मेरे को बुला रही थी, बोल रही है कि रेडियो आपने लिया है वो कहाँ पे रखा है। सीरियसली यार मैं भूल ही गया हूँ। चलो अभी चलते हैं, उसको पहले लेके आते हैं। और आपको पता है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी काफ़ी अच्छा फील कर रही है। चलो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्ट रहता है। बाकी कज़न भी चला गया है भाई, अभी अकेला करना पड़ता है व्लॉग शूट। कज़न के साथ वो कंपनी मिलती थी तो मज़ा आ जाता था। चलो इट्स ओके, सब कुछ मैनेज होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, साथ के साथ आप लोग जो सपोर्ट करते हो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। चलो आपका ऐसे ही सपोर्ट होना चाहिए। बाकी कल के व्लॉग में जो कमेंट आया था ना वो आया था आमिर की तरफ से, ए आमिर है इसका यूज़र नेम। नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना, लव फ्रॉम अनंतनाग। थैंक यू सो मच आमिर भाई, दिल से शुक्रिया। बस जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो दिल इतना खुश हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई वो वाला, वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस मुझे होप है आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे कंटिन्यूसली। चलो देखते हैं क्या रहता है, बाकी करते हैं इस व्लॉग को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइज़ कल मैंने बोला था कि चलो कज़न घर चला गया लेकिन जुनेद भी आएगा, और जुनेद भी आ चुका था। ये देखो अभी ना तैयार हो चुका है। वाह जी वाह, ये क्या लेके आए हो वहाँ से सर, पूरा सेटअप लगाया है साइकिल का, है ना। इधर दिखा, ये हेलमेट, ये किस लिए है? अच्छा इसलिए, ये हाथ के लिए, वो पैरों के लिए खेला है क्या कुछ? वो कहाँ पे है? ऊपर। अच्छा लेकिन ये ड्रिफ्ट वगैरह नहीं करना भाई साहब, इसको पता नहीं यार आवाज़ तुम्हें करते हो साइकिल, इससे टायर ख़त्म हो जाएगा, फिर पछताओगे कि टायर क्यों ख़त्म हो गया। ठीक है आराम से चलाया करो, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वाह ज़बरदस्त। चलो ऑल राइट गाइज, चलो अभी निकलते हैं, बाइक को कर दिया कोल्ड स्टार्ट। चलो भाई हटाओ साइकिल अपना, साइकिल को साइड करना, साइकिल को साइड करना। चलो जी चलो 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 अभी निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह बारिश हो गई थी, काफ़ी ज़ोर से हो गई थी, लेकिन अभी अराउंड 2 बज रहे हैं तो मौसम फिर से ठीक होगा, धूप अच्छी खासी निकल गई, लेकिन मौसम अभी ना ठंडा ठंडा हो रहा है, मज़ेदार मौसम है। चलो अभी चलते हैं मार्केट की ओर, लेट्स सी क्या रहता है आज के व्लॉग में, क्या इंटरेस्टिंग। ऑलराइट गाइस अभी पहुँचे हैं जी मार्केट, पहले मुझे अपना काम है वो करते हैं। अब पता नहीं उसको याद होगा यार, आज 8 दिन हो गए वहाँ पे मैंने रेडियो रखा, अगर दादी ने याद नहीं दिलाया होता ना तो मेरे को याद ही नहीं आता यार कि मैंने कहीं पे रखा है कुछ। चलो यहाँ पे ट्रैफिक तो आपको पता ही है, वो तो होता ही है, अभी फटाफट लेके आते हैं फिर अपना काम है वो भी करते हैं। चलो देखते हैं क्या रहता है, वो देखेंगे आगे। तो गाइज़ अभी रेडियो वगैरह जो है वो मैंने ले लिया, अभी मुझे थोड़ा सा काम है वो करते हैं, और एक दो बंदों से मिलना है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि मुझे किन से मिलना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लिटरली मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो चुका है। चलो अभी पहले उनसे भी मिलते हैं, वो आगे वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ऑब्वियसली यार, काफ़ी टाइम हो गया। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मिला मुझे आमिर भाई, और यह है जी आकिब। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसा है, कहाँ आजकल यार गायब ही? गायब नहीं, अब इंशाल्लाह कंटिन्यू और आने वाला। वीडियोस बनाओ ना भाई आमिर, कहाँ है यार, ना वीडियोस ना कुछ। फिलहाल तो इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो। यार मैंने कल आपका वीडियो देखा ना, 4 महीने पहले वीडियो डाला है आपने यार, ये गलत बात है यार, ऐसा करेंगे कंटिन्यू भाई फिर से इंशाल्लाह जल्दी। चलो भाई होप करेंगे, बाकी सपोर्ट हमारी तरफ से हो, सपोर्ट करो इंशाल्लाह। हाँ अरे काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते हैं, अभी कुछ खिलाओगे क्या? चला पता नहीं क्या कर रहे भाई, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है यार, इंस्टा पे एक गिव अवे चल रहा है ज़बरदस्त तरीके का। चलो अभी कुछ खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, चाय पिलाओगे क्या? चलो चाय पीते हैं उसके बाद। चलो भाई यह है जी आमिर भाई की बाइक, एंड ये है आकिब भाई की कारतूस है ना भाई, ये क्या लग रहा है भाई, इसका कलर देखो यार क्या ज़बरदस्त है, मोटो व्लॉगर आकिब। चलो अभी चलते हैं, और ये रही अपनी चेरी जो कि एज ऑलवेज मेरी फेवरेट है। चलो तो गाइज अभी हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, बिरयानी वगैरह जो भी खाना था वो खा लिया, अब क्या करेंगे गाइज। अगर आपको पता नहीं है मैं गिव अवे कर रहा हूँ तो इंस्टा पे जाके ना जरूर देखना, बाइक गिव अवे करोगे? पक्का? चलो इंशाल्लाह होप, लेकिन मेरा गिव अवे आज चल रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे इंस्टा पे विजिट कर सकते हो गाइज, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, तो जरूर से जाके पार्टिसिपेट करना और कैश प्राइज विन करना।
चलो अभी चलते हैं यहाँ से। चलो गाइस। ऑलराइट गाइस, अभी हो गया जी काम वाम जो भी करना था। अभी मेरे को ना पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा ना काम है, एक पार्सल है वो लेके आना है। चलो अभी वो करते हैं, उसके बाद फटाफट चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, आज इतनी धूप तेज थी ना। चलो अभी फटाफट लेके आते हैं पार्सल, फिर चलते हैं घर। तो गाइस, अभी जो भी काम था वो सब हो गया, पोस्ट ऑफिस से आ गए वापस। चलो अभी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में भी काम है, वो भी करना है। अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इंस्टा पे एक ज़बरदस्त चैलेंज चल रहा है, तो इंस्टा पे जाके ज़रूर से विज़िट करना, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पर बताऊँगा तो फिर लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप इंस्टा पे जाके विज़िट करना। सेम नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगे, आपको करना क्या है, कैसे आप कैश प्राइज विन कर सकते हो। होप कि आप लोग जल्द जल्दी विजिट करोगे। चलो अभी आपसे मिलते हैं जी सीधा घर में। One hour later. Guys, एक पंगा हो गया यहाँ पे ना, बिल्ली ने काट लिया पूरा दांत, दे दिया देखो एक इधर। रैबीज का इंजेक्शन लगवा के आऊँगा, क्योंकि स्ट्रे कैट है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो पहले जाते हैं हॉस्पिटल, मैं आपको बाद में समझाता हूँ हुआ क्या था। ये इंसुलिन सिरिंज ना ऐसे नहीं देते हैं, मेरे को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं यार क्यों नहीं देते हैं। अभी मैं, अगर किसी को पता है भाई कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं देते। तो गाइज, अभी हॉस्पिटल से सीधा वापस आ गए घर। अभी मैं बैठा था, पता नहीं यार आज अचानक से, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हुआ कैसे, ये जो हमारा घर है ना उसके पीछे से एक छोटी सी स्ट्रे कैट थी, पता नहीं मुझे लग रहा है तो वो एक मंथ की होगी, तो वो ना फंसी पड़ी थी, तो उसको मैंने निकाला वहाँ से। मैं आवाज़ सुन रहा था, मुझे लगा चलो ये कोई और है, लेकिन जब मैं फिर गया ना देखने, तो उस टाइम मैंने उसको ना वहाँ से निकालने की कोशिश की। जब मैंने उसको निकाला, मैंने सोचा उसको फूड वगैरह दे दूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा फूड है, कैट फूड। फिर मैंने सोचा इसको निकालते हैं, थोड़ा बहुत फूड वगैरह देंगे, लेकिन जब मैंने इसको पकड़ा ना, मैंने बोला इसको पकड़ के रखते, उसको ना गुस्सा आ गया, तो उसने पूरा ना काट दिया, मतलब उसका दांत एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी लग गया था, अच्छा खासा खून भी आ गया था, इसलिए मैं गया था ARV लगाने। तो अभी मैं ARV लगा के आया, ये पूरी चिट्ठी दे दी डॉक्टर ने, उसने बोला टेटनस भी लगा देना, क्योंकि खतरा तो नहीं है लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ARV लगाना ज़रूरी है। ये देखो यहाँ से, एक्चुअली यहाँ से ना खून काफ़ी ज़्यादा ना बह गया था, और इस साइड भी है देखो, इस साइड और इस साइड, इसीलिए डर रहता था। अभी मैंने ARV लगा दिया, चलो होप करता हूँ कि अभी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन इस ना सूजन लग रही है मेरे को ना, थोड़ी थोड़ी सी मतलब लग रहा है कि नहीं यार कुछ हुआ है उंगली में। चलो हो जाएगा ये अभी भी ठीक ना। बाकी अभी मुझे लग रहा है इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।